ज्योग्राफी का पेपर जो है बहुत डायनेमिक हो गया है, तो आपको थोड़ा सा एक स्टडी को अपना इंटीग्रेट करना रहता है कि आप कैसे स्टैटिक और डायनेमिक का एक मिक्स आप कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा बाद में, तो उसमें आपको पता चलेगा मैं ये किस चीज के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के बारे में बोलता हूँ, क्या एडवांटेजेस है ज्योग्राफी के। देखो, ज्योग्राफी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जीएस में मिलता है, क्योंकि मैंने जब मेरा ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे थे, स्टिल आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स इन जीएस। तो आप ज्योग्राफी में जब डायग्राम्स और केस स्टडीज और मैथ्स और ये सारी चीज़ें करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करता है मेंस में। और प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं काफ़ी, तो ज्योग्राफी आपको यहाँ बहुत हेल्प करता है। अब मेंस में जैसे पेपर वन था, हिस्ट्री था, हिस्ट्री में भी मैंने डायग्राम्स बनाए थे, हिस्ट्री में भी मैंने वो सारी चीज़ें करी थी जो ज्योग्राफी में भी यूज टू डू, डायग्राम्स बनाना, मैथ बनाना। पेपर टू में यू हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पे आप सारा पूरा शो अप कर सकते हो ज्योग्राफी के थ्रू। पेपर थ्री का एक मेजर पार्ट एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, वो सब ज्योग्राफी में कवर होता है। तो कहीं ना कहीं जीएस में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है ज्योग्राफी से, तो वो मुझे मिला था आई थिंक, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने जीएस में देखा मार्क्स जो थे वो अच्छे रहे थे मेरे स्टार्टिंग से, बस ऑप्शन में ही नहीं आ रहे थे, वो लकीली लास्ट ईयर आ गए थे। तो फर्स्ट आपको जो ज्योग्राफी का फायदा मिलेगा वो इस चीज़ में मिलेगा जीएस में। और सेकेंड ऑप्शनल में क्या है कि आप देखो मेरे 321 मार्क्स थे ज्योग्राफी में, तो ऑप्शनल में यू कैन स्कोर गुड मार्क्स ज्योग्राफी में, 320, 327 भी है इस साल ज्योग्राफी में, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है ये अक्रॉस द ऑप्शनल्स। तो आपको अगर ऑप्शनल में भी स्कोर करना है तो भी ज्योग्राफी इज गुड, और जीएस में तो वो अल्टीमेटली हेल्प करते ही है। तो एज एन ऑप्शनल आई फील के ज्योग्राफी अच्छा है, प्रोवाइडेड के आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं, जो कंटेंट है वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिमांड ऑफ द एग्जाम या ऑप्शनल की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो मैटर करता है। तो अगर आप वो चीज़ें कर लोगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ज्योग्राफी, आप में से बहुत लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है अपना ऑप्शनल कौन सा लेना है, तो डोंट थिंक कि मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी अच्छा ऑप्शनल है, ऐसा कभी मत करना, मत लेना, क्योंकि आपकी अपने स्ट्रेंथ के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो तो वही ऑप्शनल आप सेलेक्ट करना। तो ये कुछ चीज़ थी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। अब आई टेल के ज्योग्राफी में वॉट आई डिड, जो कुछ चीज़ें थी आई फील के जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़े, आई डोंट नो, बाकी तो यूपीएससी जानता है उसको, क्योंकि मेरे से पूछते हैं कुछ लोग यार क्या स्ट्रैटेजी चेंज की, जब तक मार्क्स नहीं आए थे तब तक मुझे लगता था यार कोई तो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, कैसे आ गए, वो यूपीएससी जानता है। इनफैक्ट हिमांशु सर आए थे मेरे पास, तो जब मार्क्स नहीं आए थे ज्योग्राफी के तब तक सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, तो बोले कि एक सेमिनार करेंगे हम लोग ज्योग्राफी का, तो तुम आना वहाँ पे बात करना। तो मैंने कहा सर ऐसा है मार्क्स आने तो पहले, पता चला मैं वहाँ जाके कुछ कुछ बोल दूँ और ज्योग्राफी में मार्क्स हो नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले नहीं नहीं अच्छे मार्क्स होंगे, रैंक थ्री है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो जब मार्क्स देंगे तो 321 थे, तो फिर के चलो ज्योग्राफी ने कहीं तो पे ऑफ किया। तो ज्योग्राफी का क्या था कि बाद में आई रियलाइज के चेंजेस क्या क्या हुए थे मेरी प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से मे बी ये स्कोर में जंप आया था। तो फर्स्ट थिंग, ज्योग्राफी के लिए कंटेंट होता है जो आई रियलाइज, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, कुछ मेरे पास नोट्स थे तो वो मैंने नोट्स ले लिए थे मार्केट से और वो ही मैं पढ़ रहा था। मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी वो भी नहीं पढ़ी थी ज़्यादा, थोड़ा बहुत इधर उधर से देखा था, और ना ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को इतने अच्छे से एनालाइज किया था जिससे पता चलता कि कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट आई से कि कंटेंट पे वर्क करना है सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो, तो कुछ बेसिक बुक्स हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने बहुत लेट पढ़ी थी, आप स्टार्टिंग में पढ़ लेना। सविंद सिंह है फिजिकल ज्योग्राफी की, इट्स अ वेरी गुड बुक, आप उसमें से वो थोड़ी मोटी है बट आप जब उसको स्टार्ट करते हो तो उसकी सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। दूसरी जो दो बुक्स हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प करी वो रूपा की बुक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की। उसमें आपको थोड़ा सा अलग एक पर्सपेक्टिव है, कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं उसमें, सॉइल्स से रिलेटेड है और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, कुछ एनवायरनमेंट के चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये बुक्स जो हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करती हैं।
और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एक पार्ट है ज्योग्राफी में, उसमें आर्य दीक्षित इज अ बुक जो काफी अच्छी है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आप पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप नोट्स लोगे वो लोगे वो सब आपका एड ऑन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। आप ये बुक्स लोगे तो आपका बेस कवर होता है, और उसके बाद सर का जो कंटेंट है ना वो पूरा एग्जॉस्टिव है। आप उसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन, हर टाइप का मटेरियल मिल जाता है, 500+ का हो। मैंने 500+ का कंटेंट देखा है सर का, तो वो काफी अच्छा है हिमांशु सर का, तो वो आपको एक एड ऑन की तरह ही रहता है वैल्यू एडिशन में। तो ये कंटेंट से रिलेटेड चीजें हैं, और पेपर 2 के लिए खासकर जो ज्योग्राफी का है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने नोट्स बनाए। मैंने कूलर थी मेरे पास, उससे मैंने रीडिंग की थी, और उसके मैथ्स जो थे और बाकी सारी चीजें थी वो मैंने पिक किया था। बाकी आपको अपने नोट बनाने रहते हैं पेपर 2 के लिए, जितने भी इश्यूज हैं अभी चल रहे हैं उनके अपने नोट्स आपके बने होने चाहिए। और इनफैक्ट ये सारे अक्रॉस GS सब्जेक्ट्स के लिए है, आप जितना अपना अपने पर्सनल नोट्स बनाओगे GS में उतने अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि जब मैं मेंस जब आप लिखने जाते हो ना, तो 3 घंटे में आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है, आपको सिर्फ लिखना होता है। तो मैं जब लिखता था तो मेरे दिमाग में ये होता था कि या तो जो क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ होना चाहिए टेस्ट सीरीज में या अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, या तो उसका नोट्स या कंटेंट जो हो वो ऑलरेडी मुझे पता होना चाहिए, वो बुलेट पॉइंट्स में मेरे पास होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना, ज्योग्राफी हो या GS हो, जितने ज्यादा अच्छे से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा आप वहां पे स्कोर कर सकते हो। तो दिस वॉज समथिंग जो कंटेंट से रिलेटेड था जो मेरी प्रिपरेशन में मिसिंग था ज्योग्राफी में। सेकेंड थिंग जो आई फेल्ट के वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी वो आंसर राइटिंग था, लैक ऑफ आंसर राइटिंग। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं ये सोचते हैं कि अभी तक पढ़ाई नहीं हुई तो राइटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, जब पूरा हो जाएगा तभी करेंगे। आई कैन टेल यू ये पूरा होने वाला कभी नहीं है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ही पढ़ा है मैंने सिर्फ सिविल्स के लिए, बाकी तो मतलब छूटा हुआ ही है। इनफैक्ट मैं पेपर देख रहा था यार इस साल का प्रीलिम्स का, उसमें 5-6 क्वेश्चन के अलावा मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहे थे, पता नहीं कैसा कोई सेट किया था। एग्जाम ऐसा है कि यू आर आउट ऑफ दिस साइकिल और आपको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है रैंडम कहीं से भी उसमें, तो दिस इज द केस। तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा चैनलाइज करना रहता है आपको अपनी। तो आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप वो GS के लिए हो ऑप्शनल के लिए हो, और उसके लिए बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो देखो। ज्योग्राफी में आपको एक ट्रेंड पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आप जैसे अभी स्टार्टिंग फेज में हो, आप अभी ऑप्शनल स्टार्ट करोगे, आप अभी GS स्टार्ट करोगे, तो आई सजेस्ट कि अभी तो नहीं एटलीस्ट 1-2 महीने थोड़ा बहुत जब चीजें कवर हो जाए तो आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना। वो पढ़ाई कंप्लीट कभी नहीं होने वाली है, ये सोच के मत बैठना कि जब कंप्लीट हो जाएगा तब आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, उतना मेंस में आपको हेल्प होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद ऐसा टाइम आता है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहते हो, और उसके बाद जब क्लियर हो जाता है तो आपको लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है मेंस के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का हमेशा इंटीग्रेटेड स्टडी आप करना। तो आंसर राइटिंग वो सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि लैकिंग था कहीं ना कहीं मेरे आंसर्स में। थर्ड थिंग आई फील इज प्रेजेंटेशन, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि कंटेंट देखो आप भी सेम, आपके पास भी सेम बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हो गया किसी भी GS के लिए, और हर एक के पास सेम है। द थिंग दैट मैटर्स इज प्रेजेंटेशन, आप कैसे वहां पर प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, आप कितना इजी करते हो एग्जामिनर के लिए उन आंसर्स को चेक करना, उस आंसर्स को समझना उनके लिए, वो मैटर करता है। तो क्योंकि मैंने देखो मैं इतने लंबे फेज में था, मैंने कॉपीज भी चेक की हैं, तो आई रियलाइज कि कुछ कॉपीज आती थी उनमें ऐसा लगता था कि वो हेडेक दे रहे हैं आपको, पूरा ऊपर से नीचे तक आप पढ़ते रहते तो टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ होती थी जो आप एक एक ही ग्लांस में आपको पता चल जाता था उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो ये डेवलप करना पड़ता है चीज़ें।
तो इस चीज में आपको प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा वर्क करना रहता है, वो ज्योग्राफी के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। और ज्योग्राफी में क्योंकि डायग्राम्स और मैथ्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन और इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब प्रेजेंटेशन का अगर बात करूँ तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि देयर इज अ मिक्स ऑफ बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, वो आपको फिगर आउट करना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उस तरीके से आपको लिखना होता है कि आप डायरेक्टली हिट कर रहे हो जो डिमांड है क्वेश्चन की, और उनको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि वो एग्जामिनर के लिए इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या क्या सारी चीजें लिखी है। तो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से करना, क्योंकि आप जब पढ़ते रहते हो तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हो, और जब आप पढ़ने के बाद इन चीज़ों पे आते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे स्टार्टिंग से फोकस करना। और ज्योग्राफी के लिए खासकर डायग्राम्स, मैप्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हर एक आंसर जो भी आप लिखते हो उसमें कहीं ना कहीं आपको डायग्राम्स और ऑप्शन ये डालना ही पड़ता है मैप्स। तो इसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी ऑप्शनल के लिए। कुछ भी आप लिख रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, उसका डायग्राम, उसका मैप, वो आपको तभी के तभी बना के रखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड द फोर्थ थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आई फील इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, वो ज्योग्राफी के लिए भी और जीएस के लिए भी। देखो कुछ होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आप सिर्फ उसी के बारे में स्पेसिफिक चीज आप लिख देते हो, एक तो वो होता है आंसर, एक आंसर होता है कि आप उससे रिलेट उस वो जो क्वेश्चन है उसको तो एड्रेस करते हो, उससे रिलेटेड भी चीजें जो करंट में चल रही हैं, जो डायनेमिक्स हैं उस इशू के, वो भी आप मेंशन करते हो उसमें। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज्योग्राफी में खासकर, क्योंकि आई रियलाइज कि इस साल ज्योग्राफी में मैंने यही सारी चीजें की थी। जैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का मेरा मतलब यह है कि आप स्टैटिक पार्ट तो लिखो ही लिखो, ज्योग्राफी में जैसे पेपर वन है उसके साथ करंट पार्ट भी उसमें ऐड कर देना ताकि वो डायनेमिक बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है कि रोस्टोव के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं ज्योग्राफी में, एक एक करके 5 स्टेजेस हैं, और वो एक हाईएस्ट स्टेज है जहाँ हाई मास कंजप्शन है, जो हम बोलते हैं अमेरिका और ये सारी कंट्रीज उस स्टेज में है। तो वो उसने उसको डिस्कस करने को बोला था उस मॉडल को। तो इन दैट क्वेश्चन व्हाट आई डिड, वो चीज़ तो आई डिस्कस, बट आज की जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने डिस्कस की कि वो फिफ्थ जो लास्ट स्टेज है वो अल्टीमेट स्टेज नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। उसके ऊपर एक और स्टेज है, वो तब आएगी जब कंजप्शन जो होगा वो सस्टेनेबल होगा और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। तो आई गेव सर्टेन पोर्शन ऑफ माई आंसर टू दिस थिंग, जबकि उसमें वो पूछा गया नहीं था। तो मेन आई एड्रेस वॉट वॉज आस्क, बट उसके बाद आई मैंने ये चीज़ें भी इंक्लूड कर दी थी। तो यही चीज़ जीएस में भी होता है कि वॉट इज बींग आस्क, आप उसको कितना ज़्यादा करंट से रिलेट करके लिख पा रहे हो, कितना ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल्स डाल रहे हो, कितना आप कुछ केस स्टडीज डाल पा रहे हो, ये सारा वैल्यू एडिशन होता है जो आपको मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों पे वर्क करना, क्योंकि अभी देखो यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, बट आप अगर प्रॉपर एक चैनलाइज स्टडी करोगे ना, मेन है कि एग्ज़ाम को समझना है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम, वो आपको समझ आ गई तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। मुझे नहीं समझ आई थी तो 5 साल लग गए, तो इसलिए बता रहा हूँ कि उस पर फोकस करना। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई करते हो वो इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, बट अंडरस्टैंड कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी मेंस में, जीएस में, और व्हाट दे एक्सपेक्ट कि उसमें आपको क्या लिखो, क्या आंसर्स लिखो, वो एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम के। एक फिफ्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो है सिलेबस। आप प्रिपरेशन में आते हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल जीएस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सिलेबस को क्या करो, अपने टेबल पे जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सामने पेस्ट करो, मेंस का सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस, जो भी आपका, और उसको रोज बार बार पढ़ा करो। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स है सिलेबस में, और मेंस के लिए जीएस में डिटेल सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, तो आपको इतना
प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा आपको सिलेबस ही बताएगा। तो सिलेबस को बाय हार्ट कर लेना, जितना भी है मेंस का चार पेपर्स का सिलेबस जो है, जीएस का, ऑप्शनल का आपका जो सिलेबस है वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप मेरे जो सर थे, जब मैं प्रिपरेशन में आया था, तो रिसेंट के कुछ भी पढ़ने से पहले यू डू वन थिंग, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपनी टेबल पे ला के रख लो। मैंने वो ही नहीं किया था, मैं पढ़ता रहता था और वो पता नहीं था कि किस वे में पढ़ना है। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने गलती करी वो मत करना, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने सामने रखना, कुछ भी पढ़ते हो कुछ भी देखते हो उसको एक आइडिया करना कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड सिलेबस का इम्पोर्टेंस, ये भी क्या था कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि अभी ज्योग्राफी में क्या हो रहा है कि बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, खासकर पेपर टू में। अब उसमें आपको आंसर्स लिखने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप एक दो पॉइंट कलेक्ट कर पाते हो और फिर उसी को घुमाते रहते हो, तो उसमें आपको मार्क्स इतने नहीं मिलते हैं। तो सिलेबस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे। सिलेबस के जो हेडिंग्स हैं ना ज्योग्राफी में, वो बहुत ब्रॉड हेडिंग्स हैं। जैसे अगर पेपर टू की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी है एक हेडिंग, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, तो जब आपका सिलेबस आपके सामने होगा तो आप उन सिलेबस के पॉइंट्स में से अपने पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे पेपर टू में एक क्वेश्चन था छोटा नागपुर लावा प्लाट्यू के बारे में था, और रांची प्लाट्यू और एक और दूसरा कोई प्लाट्यू था, उसको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो वो फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, लैंडस्केप है, ये है वो है, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो रिवर्स। लेकिन जब आपको सिलेबस का आइडिया होता है तो आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो वो आप उसमें देख सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ क्या है, वहाँ पे ट्राइब्स क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की कोस्टल ज्योग्राफी क्या है, वहाँ की एग्रीकल्चर की सिनेरियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप हर एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसमें पुट अप कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप सिलेबस ध्यान में रहते हैं ना, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये पॉइंट लिखना है या वो पॉइंट लिखना है। तो इसलिए सिलेबस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना सिलेबस को लेके। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता है किसी को, बहुत इधर उधर से कहीं से पूछा हुआ होता है। तो नए बच्चे क्या करते हैं, देखिए कि अब ये कहाँ से पूछा, मैंने भी किया था एक, वो एरिस की डेविस की साइकिल थी, वो उसमें नॉर्मल साइकिल नहीं थी, वो दूसरी साइकिल थी, वो किसी बुक में नहीं थी, वो एक फिर इसकी जो मॉर्फोलॉजी की सावेंद्र सिंह की बुक थी। तो वो जब क्वेश्चन आया तो स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। तो ये सब नहीं करना, वो क्वेश्चन नहीं डिसाइड करने वाले कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो जो आपके प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए कंटेंट को अपने कंसाइज करना और जो ऑब्वियस टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना, वो आपको मार्क्स फेच करवाएंगे। और बाकी जो इधर उधर से पूछ देते हैं कभी कभी, उसको आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर दो, वो आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो ठीक है। तो इसलिए ज्योग्राफी में कंटेंट का इशू है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अब आपको कैसे कंसाइज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप उस कंटेंट को प्रॉपर कंसाइज कर लोगे तो आप मार्क्स उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ एक है जो ध्यान रखना। ऐसे ही मेंस में भी होता है, जो जीएस का जो पेपर आता है उसमें भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, वो पता ही नहीं होता है कि कहाँ से पूछा गया है। तो उन क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करता, ये बस ध्यान रखना। आप उन क्वेश्चंस को लेके ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया है तो पूरी बुक वहाँ से पढ़ ली। 2014-15 में मुझे याद है एक मैकब्राइड कमीशन आया था, वो पता ही नहीं था क्या है, बस उसमें कुछ सोशल वोशल वर्ड लिखा था तो लोगों ने पूरा उसको बस उसी से रिलेट करके लिख दिया था। लास्ट ईयर भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आया था, वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है आप वो लिख दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन क्वेश्चंस को देख के आप वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ थी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। दूसरा एक लास्ट चीज़ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो
ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहां पे क्या होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वो मिस हो जाता है, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और बट ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल थॉट का पार्ट है वो आपको एक पूरा आइडिया देता है ज्योग्राफी के इवोल्यूशन का, ज्योग्राफी किस तरीके से आगे बढ़ी है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ह्यूमन ज्योग्राफी आपका मिस ना हो। और इनफैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट पूछ रहे हैं यूपीएससी। तो मैंने पहले से माइंड मेकअप किया था कि मैं ह्यूमन ज्योग्राफी से ही अटेंड करूँगा, तो मैंने अपना उधर से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो आपकी भी अपनी जो स्ट्रेंथ हो उस पर वर्क करना, आपको लगता है कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी में अच्छे हो, फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे हो, उस पर वर्क करके वो करना। और ये यार एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब आप एग्ज़ाम को ना एग्ज़ाम क्लियर करने के उससे करना, जो चीज़ रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सब कुछ पढ़ने लगते हैं, फिलोसफर बन जाएंगे, कुछ भी चलता रहता है, उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हाँ भले ही से आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के उससे ही देखना, और जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो करना। क्योंकि ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है पूरे, मेरा तो बहुत लंबा फेज है यार, 2013 से आई वॉज प्रिपेयरिंग, 2019 हो गया, 6 साल सारी जवानी इसी में दे दी। तो ये रहता है, तो इसलिए आई कैन टेल यू ये सारी चीज़ें आएंगी आपके प्रिपरेशन में। और लास्ट चीज़ जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो है वैल्यू एडिशन। वो जैसे मैंने बताया कि अभी स्टार्टिंग पे यू नॉट गेट मार्क्स इतना, आपको अपना, जैसे मैं क्या करता था कि मैंने एक अपनी बुक बना रखी थी जिसमें डेटा मैं लिख लेता था, जो भी कोई चीज़ आती थी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी उससे रिलेटेड कुछ डेटा होता था तो मैं उसमें लिख लेता था अच्छा डेटा। तो वो आपको आंसर्स ओपन करने में, सब्सटैंशिएट करने में चीज़ों को वो हेल्प करता है। तो डेटा बुक थी मेरे पास, एक एग्जाम्पल्स की बुक थी जिसमें मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता था कि अगर कोई इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, लैंडफिल से है तो इस टाइप का एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन से है तो इस टाइप का एग्जाम्पल। तो ये सारी वैल्यू एडिशन होती है जो आपको अलग करेंगे दूसरे कैंडिडेट से, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट सब ने एक जैसा पढ़ा होगा। तो ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं इतना ही रिकॉल कर पाया था जो मैंने चेंजेस किए थे ज्योग्राफी को लेके, और इसमें मार्क्स आ गए थे लकीली। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर हम बात करें, एग्ज़ाम का यार देखो सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करनी है एग्ज़ाम में, उसके बाद आपका लक है। मैं बोलता हूँ आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे थर्ड रैंक आ जाएगा, बट आ गया था कैसे भी। तो एक थ्रेशोल्ड आपको चाहिए मेहनत करने का, उसके बिना आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। उस थ्रेशोल्ड के बाद आपका लक है, आपको एग्ज़ाम में रैंक आएगी नहीं आएगी वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेहनत करो और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि आप अगर अपने से ऑनेस्ट रहोगे, मेहनत करोगे, यू नॉट रिग्रेट इट। क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बट मुझे सीखने को इतना मिला था इस एग्जाम में कि यार देखो, मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाई है, कुछ ने देखी होगी, मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी सिंपल। उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया था, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था, और पढ़ाई भी सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करी थी। तो मुझे तो सीखने को इतना कुछ मिला एग्ज़ाम से कि मतलब आई वॉज थैंकफुल कि मैंने डिसीजन लिया एग्ज़ाम में आने का। तो मैं यही सब लोगों से बोलता हूँ कि आप अगर अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे, प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, तो ये एग्ज़ाम बहुत कुछ आपको सिखाएगा। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम की क्या है ना कि फेलियर्स दे आर पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। आई एम नॉट सेइंग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर सकते या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर सकते, वेरी गुड इफ यू आर क्लियरिंग इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट एग्ज़ाम आपको शो करेगा, इट टेक यू टू द बॉटम, जहाँ पे आपको लगेगा मतलब मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस नहीं हुआ था, सेकंड में मेंस हुआ, इंटरव्यू में फाइनल नहीं आया, थर्ड में
इंटरव्यू हुआ था, लिस्ट में नहीं था, फोर्थ में फाइनली लिस्ट में, सिक्स फिफ्थ में थर्ड रैंक। तो जब इंटरव्यू के बाद मैंने केम होम और उसके बाद फिर जब रिजल्ट नहीं आया, आई वॉज लाइक के मतलब अब दिस इज एंड, अब और क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप यू आर सो नियर बट येट सो फार, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए फेलियर्स को हमेशा एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखना, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि व्हेन आई सी माय कॉपीज, मैंने इसीलिए अपनी कॉपीज रखी, 2014 की भी एक कॉपी मेरे पास है जो मैं लिखता था, और आज 2018 की भी जो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो देयर इज सच अ ह्यूज डिफरेंस मेरे आंसर्स में, मेरी नॉलेज में, मेरे कंटेंट में, बट हमें रियलाइज नहीं होता क्योंकि हम उस प्रोसेस में रहते हैं कंटिन्यूसली। तो आप ये ध्यान में रखना कि फेलियर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। देयर इज अ पर्सपेक्टिव, आप उन फेलियर्स को कैसे देखते हो, अगर आप उनको लर्निंग कर्व की तरह देखोगे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे, इस एग्जाम में नहीं कहीं पे भी। तो आई ऑलवेज से कि फेलियर से मत घबराना, जितने भी आप एग्जाम में लग रहा है, अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो एक बार ये पूछना, तो आपको अगर टाइम लग रहा है तो नो इश्यूज, आप फिफ्थ अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी क्लियर करोगे, इट विल बी वर्थ। तो ये एक चीज इस एग्जाम को लेके थी। एंड एक लास्ट चीज जो आई फील वो ये है यार, लाइफ इज नॉट अ आईएएस, ये ध्यान रखना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये लगने लगता है कि आईएएस है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। अभी हम स्टैंडिंग हेयर, ऑब्वियसली आई एम सेलेक्टेड, तो मैं ये बोल सकता हूँ, आपको लग रहा होगा हाँ ये तो सेलेक्टेड है, कुछ भी बोल देगा, बट आई एम टेलिंग यू कि आपका जो, जब तक आप कुछ किसी चीज़ को पाने की ललक होती है ना, उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, वो आपको इंटरेस्टिंग बनाती है लाइफ को। जब आप आ जाते हो तो फिर आपके गोल चेंज हो जाते हैं, फिर आप किसी और दूसरे गोल को सेट कर लेते हो अपने। तो ऐसा कभी मत सोचना है कि आईएएस ही लाइफ पे, लाइफ भी आईएएस है, यहाँ पे खत्म। इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से मेहनत करना, और अपने से ऑनेस्ट रहोगे तो क्लियर कर लोगे। थैंक यू। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, तो क्योंकि यार मैं तो बोलता रहता हूँ, तुम लोग पूछो जो भी पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो यार, एग्जाम से रिलेटेड जो तुम्हें पूछना है पूछ लो। एक वो ले लो यार माइक। He is asking के इंटरव्यू में क्या करना चाहिए या इंटरव्यू में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। देखो, इंटरव्यू इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, वो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नॉलेज आपकी दे हैव ऑलरेडी चेक वहां पे मेंस और प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी। अब वहां पे क्या होता है कि आपको जो आई हैव रियलाइज कि कुछ चीजें हैं जो दे लुक फॉर, अब पता नहीं आई एम राइट और नॉट, बट समथिंग इज देयर। देखो, यू मस्ट बी एनर्जेटिक, आप में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो ऑनेस्ट होने चाहिए आप, नो डाउट। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल देना जो आपको लगता ही नहीं है कि है, बट स्टिल आप बोल दो। उसके बाद आप में एक ओपिनियन होना चाहिए, डिसाइसिवनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं दे लुक फॉर। आप वहाँ पे बहुत सा, मेरा इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत आउट ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं, एक वो अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछता है, तो 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 5-6 क्वेश्चंस में ऐसे नो 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 नो, मुझे आते ही नहीं था। तो इसलिए वो डिसाइड नहीं करता कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे मेरा सुजाता मैम का बोर्ड था, तो ये वो आपको प्रेशर में डालेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। 2000 जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2017 का, उसमें सुजाता मैम का बोर्ड था, तो देयर वाज अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वो वैसे थे जेएनयू टाइप की जो होती है ना, एकदम लेडी थी, सिंपल साड़ी में और एकदम चप्पल में ऐसे बैठी थी। और जब उनका नंबर आया तो उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन किए, कल्चर के बारे में पूछने लगे। आई वॉज इन बॉम्बे फॉर सम ईयर्स, तो बॉम्बे और दिल्ली के कल्चर मैंने कुछ कुछ बता दिया। तो उनका मतलब, उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तो तुम होगे नहीं सेलेक्ट।
तो उसमें यू फील कि यार इतना कैसे वो कर सकते, बोले कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता इस टाइप से, तो वो आपको करते हैं उस टाइप से। और जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था विनय मित्तल सर का बोर्ड था, वो अपना करके और घूमने लगते हैं पीछे इधर उधर। अब यू फील कि वो क्या कर क्या रहे हैं, आधा दिमाग आपका इधर उधर रहता है कि पता नहीं पीछे खड़े होके क्या कर रहे हैं, बट वो उठकर रहते हैं कि आप कितना काम कितना कंपोज हो। अब 80 सर हैं, मेरा तो बोर्ड नहीं पड़ा, बट लोग बोलते हैं वो सो जाते हैं, वो पूछेंगे 5 मिनट उसके बाद वो रिलैक्स होके पीछे सो जाएंगे, और जो कैंडिडेट है उसको लगता है कि यार सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो दिस हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड्स, बट देखो वो लोग भी वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। तो इफ दे फाइंड कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप कंपैशनेट हो लोगों को लेके, तो दे सेलेक्ट यू। नॉलेज का वो टेस्ट नहीं है। आप 20 में से मेरे जो मॉक्स हुए थे उसमें लोग बोलते थे कि 10 भी आप नहीं कर रहे हो आंसर, वेट फॉर द क्वेश्चन जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, आप एक आंसर दोगे वो आपके स्कोर शूट अप कर जाएगा। तो दिस इज हाउ इंटरव्यू हैपेंस। अगर आप कोई नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो उसको मे बी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहाँ चीज़ों पे वो लैक कर रहा है, तो ये चीज इंटरव्यू में मैटर करती है। हिंदी मीडियम का या देखो माध्यम का कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इतने लोगों से मिला हूँ, मीडियम जो है ना वो हिंदी इज जस्ट, ये आपको समझना चाहिए, वो नॉलेज नहीं है। इंग्लिश संस्कृत आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, इसीलिए यूपीएससी ने ट्रांसलेटर्स बिठाए होते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो किसी लैंग्वेज में, आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे ही मेंस का भी है, लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बट आई से कि पहले क्या होता था कि हिंदी मीडियम के लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते थे और जो बाकी लोग थे वो नहीं करते थे। तो आप लोगों को था कि ये हमारी डोमेन है सिविल सर्विसेज। अभी क्या हो गया है कि बाकी लोग भी आ गए, तो आप उन लोगों ने अपना लेवल ऊपर कर लिया है, आप लोग वहीं पे हो, आप भी अपना लेवल बढ़ाओ ना। आप भी आप देखो यहाँ पे किस तरीके से वो लोग आंसर राइटिंग में नए नए एडिशंस कर रहे हैं, वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में वो कर रहे हैं, आपको भी वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उसी 90s के और अर्ली 2000 के माइंडसेट से हो कि कॉम्पिटिशन हमारे बीच में, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको अपना लेवल और ऊपर करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे, होंगे, आप अपना लेवल ऊपर कर लोगे। देखो इज आस्किंग के इतना लंबा जर्नी था 5-6 years का, आपका इनर मोटिवेशन क्या था? यार मेरे पास जॉब तो थी नहीं, ठीक है, और ना ही मुझे कोई जॉब देता, वैसे ही मुझे यहाँ पे रहना था। अरे जोक्स अपार्ट, होता ही है कि आप फील करते हो, लो फील करते हो, कभी आप फेल होते हो या कभी पढ़ने का मन नहीं करता है तब लो फील करते हो। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता था कि अपने टारगेट्स ना छोटे छोटे रखना हमेशा, छोटे छोटे इन द सेंस के जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, आपको उस दिन में क्या करना है। आप जब ये सोचने लगते हो ना कि प्रीलिम्स नेक्स्ट कब है, मेंस कब है, इंटरव्यू कब है, सिलेक्शन कब होगा, वहाँ पे आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं क्या करता था कि मैं अपने एक दिन का टारगेट रखता था, उस टारगेट को पूरा करने का ट्राई करता था। मैंने कोई आज भी फिक्स नहीं करे थे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या इतने घंटे पढ़ना है। मेरा ये था कि ये चीज़ मुझे करनी है, 3 घंटे में हो गई वेल एंड गुड, 5 घंटे लग रहे हैं तो भी ठीक है, 10 घंटे लग रहे हैं तो भी ठीक है। तो वो टारगेट जब आप छोटे छोटे रखते हो ना, तो आप अपने माइंड को एंगेज रखते हो। जब माइंड खाली होता है, दूर की सोचता है, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, मेंस का रिजल्ट आता है, या कभी कभी आप लो फील करते हो नेचुरल है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। मैं अभी ले लेता था यार, मूवीज वूवीज देखने का शौक था तो खूब मूवीज देख लिया फ्राइडे सैटरडे को, तो ये कर सकते हो उसमें।
जबरदस्ती अपने आप को असर्ट मत करो कि मुझे पढ़ना है करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो उसके बाद फिर अच्छे से रिफ्रेश होके पढ़ो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है। और अल्टीमेटली आप क्यों IAS बनना चाहते हो, दैट विल हेल्प यू टू सस्टेन दिस जर्नी। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता अपने आप से कि मुझे IAS क्यों बनना है या IPS क्यों बनना है या कोई भी, तो उसके बाद आप उस चीज़ में सस्टेन नहीं कर पाते। तो हमेशा अपना वाई ढूंढ लो, क्यों करना चाहते हो किसी चीज़ को। अगर वो ढूंढ लोगे तो वो टाइम और कैसे करना है वो सारी खुद ब खुद मान लेंगे। शी इज आस्किंग हॉबीज, यार एक माइक दे दो। हाँ, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वहां से तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। शी इज आस्किंग हॉबीज का क्या रोल होता है, शी इज आस्किंग हॉबीज का क्या रोल होता है इंटरव्यू में। देखो इंटरव्यू में क्या है कि देयर इज अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जहां पे आपकी सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो अब जो सामने इंटरव्यूअर है उसको आपके बारे में तो पता नहीं है, वो टैब में ही आपका सारी चीजें मेंशनड होती है। तो अगर आप हॉबीज लिख रहे हो तो हॉबीज इज समथिंग जो आप करते हो इन योर गुड इन, जिस चीज में आप अच्छा वो करते हो, तो वो उनको डोमेन मिलता है आपसे क्वेश्चंस पूछने का। अगर आपने नहीं भी लिखी है तो कोई इशू नहीं है उसमें, बट ये है कि अगर आपके डैश में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर वो अपना रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर क्या होता है कि इंटरव्यू प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जो आपका डैप होता है ना 80% 90% इंटरव्यू उसी से ही रिलेटेड होता है। तो आप क्वेश्चंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो और उनको प्रिपेयर भी कर सकते हो अच्छे से। तो हॉबीज इसी चीज़ में हेल्प करती है। और यार देखो हॉबीज अगर नहीं है कल्टिवेट कर लो, कोई आपको हेल्प ही करेगा। एग्जाम के पीरियड में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखेगा कोई भी अगर आपकी हॉबी है, और उसके बाद भी आप उसको परस्यू कर सकते हो। तो अभी इफ़ यू आर स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो अभी से कोई हॉबी कल्टिवेट कर लो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा लगता है। ये सबकी दिक्कत है यार, मेरी भी कोई हॉबी नहीं थी बस हमें पढ़ना पढ़ना यही लगता है, बट हॉबीज रहनी चाहिए। हाँ यू कैन जानते हैं कि आजकल यहाँ पर आए सभी को बहुत ज्यादा खुशी है, वो बीड से ही चमक रहा है। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं सर ने काफी स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद आजकल यहाँ पर आए हैं। तो सर के लिए हम एक कविता पेश करने चाहते हैं, सर ये जान सकते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने भरकर, मुट्ठी में कुछ सपने भरकर भर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने भरकर भर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा चलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा चलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखा इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखा इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं समुंदर से भी गहरा हूँ, मैं समुंदर से भी गहरा हूँ, तुम कितनी कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यार तुम तो इंटरव्यू के लिए वैसे ही प्रिपेयर्ड हो ना। मेरे आज ही मेरे एक फ्रेंड थे, तो देखो बोर्ड मेंबर है ना वहां पे, वो भी दिन में कितने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और 30 days 40 days कंटिन्यूसली वो इंटरव्यू ले रहे हैं सेम चीज, बोर हो जाते हैं वो भी। उन्हें भी है कि यार कोई तो इंटरेस्टिंग, कोई तो कुछ ऐसा हो कि हम लोग भी हंस लें।
तो मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे सीनियर है, तो उनका इंटरव्यू था, तो उनका उर्दू लिटरेचर था ऑप्शनल, तो शेर व शायरी उन्हें आती थी, तो वो देख के उन्होंने स्टार्टिंग में बोले कोई शेर सुनाओ। अब उन्होंने गालिब के शेर स्टार्ट किया, तो उन्हें जो मेंबर थे उन्होंने भी एक दूसरा शेर पढ़ दिया, तो आधा आधा इंटरव्यू पता है शेर व शायरी पे चला था, वो इधर से शेर पढ़ रहे थे, वो उधर से शेर पढ़ रहे थे। तो मतलब वो भी बोर होते हैं यार, उन्हें भी चाहिए कि आधे घंटे में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, वो भी हंस ले, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हाँ हाँ बताओ। फोर्टी वन किए थे और सेकंड में यार देखो पीटी का ना, पीटी सबसे ज्यादा डाइसी है इस पूरे एग्जाम में, लेकिन प्रेलिम्स का एक नैक है, वो आपको डेवलप करना पड़ता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मेरा पता नहीं कैसे था, मेरा प्रेलिम्स नहीं रुका कभी, बट आई से कि प्रेलिम्स के लिए क्या करो ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। यूपीएससी के जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन सेट करने का ना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप अगर पकड़ लोगे ना तो आप आराम से, क्योंकि देखो 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आता है, लेकिन गारंटी ये चीज़ वहाँ पे जाके आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है, जो आपने पढ़ा है सारी चीज़ें करी हैं वो आपको यूज़ करना है वहाँ पे। तो वो लॉजिक कैसे आप अप्लाई करोगे, वो तभी आपको समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे। देखो टाइम मैनेजमेंट का अगर इशू है तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आपने टेस्ट सीरीज सही से नहीं की होगी, उसमें आपने अपना टाइम को मैनेज नहीं किया होगा किस तरीके से करना है। देखो एग्जाम ना फाइनल एक वो होना चाहिए, उससे के पहले की सारी रिहर्सल ना आप टेस्ट सीरीज, आप आंसर राइटिंग सब में कर लो, वहाँ जाके ये ना हो कि आपने एक घंटे में 25 क्वेश्चन नहीं आप कर पा रहे हो, ये तो ये है कि आप रेडी नहीं हो एग्जाम के लिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज़ के लेके। एग्जाम में यार इमोशनल नहीं होना है, यही तो मैं बता रहा हूँ, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो अभी अब आप ये देखो क्या होता है कि जो बहुत पढ़ लेते हैं ना उनके साथ और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि प्रीलिम्स की मैं बात करूं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो दो तीन चार अटेम्प्ट वाले हैं, उनका काफियों का नहीं हुआ, और कुछ नए हैं बिल्कुल उनका क्लियर हो गया है प्रीलिम्स। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जो पुराना है ना वो हर स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को सोचता है कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ यूपीएससी ने कैच दिया हुआ है, तो वहाँ पे वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता है, और जो नया बच्चा होता है वो सिंपल सिंपल चीज़ों को सिंपल वे में देखता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर एनालाइज नहीं करना है चीज़ों को, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है वहाँ पे। और अगर थोड़ा सा आपको ये लगता है ना लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप और भी एग्जाम्स दो, आप जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, जितने ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना आपको हेल्प मिलेगा इस चीज़ को लेकर। और प्रीलिम्स का मैं आपको बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है, 4 अटेम्प्ट में स्टार्टिंग के उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 5th अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स हुआ एंड ही इज इन द लिस्ट फाइनलिस्ट। तो प्रीलिम्स नहीं होना तो आई कैन से कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक पे और इस चीज़ पे मैटर करता है, लेकिन आप अगर मेंस और इंटरव्यू में फंस रहे हो तो वो आपकी मेहनत में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपका प्रीलिम्स जिस भी टाइम क्लियर होता है, मेक श्योर कि आप मिस करो। हिंदी माध्यम के उस पर कमी क्यों आ रही है, देखो मैं उसका आंसर कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज और आप ये देखो कि कमी तो है नो डाउट, बट आप ओवरऑल रेशो देखोगे अगर कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, और कितने परसेंट है जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें भी बहुत चेंज आया है, बहुत सारे लोग अभी अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं एग्जाम,
दे फील के अभी उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो गया है, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है जो एप्लीकेशन फिल करता है, जो प्रिपेयर करता है, उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन भी होता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जो उन्होंने पूछी थी ना, वो ही है कि हिंदी मीडियम से, मैं आपको बताऊँ, मेरी फ्रेंड है, उसको एसए में वन ऑफ द हाईएस्ट मिले हैं, ऑप्शनल में हाईएस्ट मिले हैं हिंदी लिटरेचर में, और ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते, बस मेन इशू का क्या आता है हिंदी का, कि कंटेंट का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट आपको हर जगह मिल जाता है, हिंदी मीडियम का कंटेंट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो भी आप अगर मेहनत करोगे तो आपको आराम से हो जाती है सारी चीज़ें। तो वो जो कॉम्प्लेसेंसी है ना कि हमारी डोमेन थी, हमसे छिन गई है, ये है वो है, वो सब छोड़ के अपने कॉम्पिटिशन को रेस कर लो, निकल जाओगे। ही इज आस्किंग के एसए के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो एसए का क्या होता है कि आप जब जीएस प्रिपेयर करते हो, आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो, आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो, जो आपका ओवरऑल नॉलेज बेस बनता है ना एसए, वो ही चीज़ है आपकी। एक बार जब ये नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद एसए में सिर्फ आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में वर्क करना पड़ता है। अभी आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको लगेगा मेरे पास कंटेंट नहीं है, आपको लगेगा मैं इसमें क्या लिखूं। एक बार वो कंटेंट डेवलप हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो कि उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसे का एक फ्लो बनाते हो, वो प्रैक्टिस से आता है। तो ऐसे के लिए एज सच आप अलग से कुछ मत करना, आप अपनी जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका कंटेंट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब लिखना शुरू करोगे तो वो आपके थॉट्स खुद ब खुद एक दो ऐसे, पांच ऐसे के बाद ऑर्गेनाइज होना शुरू होगा। कभी पीछे से कोई है सर? सर जैसे कि हम लोग के यहाँ पे 6 घंटे की कोचिंग होती है जीएस की, और सर ऑप्शनल अगर करना है तो क्या साथ में शुरू कर सकते हैं जीएस फिनिश करके फिर ऑप्शनल स्टार्ट करना है? 6 घंटे की क्लास रहती है यहाँ पे जीएस की। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि ऑप्शनल और जीएस साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट रीडिंग होती है, आप जितना जल्दी फर्स्ट रीडिंग करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उस फर्स्ट रीडिंग के बाद ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डिमांड क्या है एग्जाम की। तो नॉर्मली क्या होता है कि जून जुलाई के टाइम पे बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और वो आते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3-4 मंथ्स है ना, सेप्टेम्बर तक, अगस्त सेप्टेम्बर तक, जून जुलाई अगस्त या सेप्टेम्बर तक, इन 3-4 महीनों में मेक श्योर कि आपका जो जीएस और ये है ऑप्शनल है, उसकी फर्स्ट रीडिंग हो जाए। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ गो थ्रू करते हो कि आपको सारी चीज़ें हो जाए, आप सही चीज़ों में जो अंडरस्टैंड करते हो वो सेकंड रीडिंग में करते हो। तो इसलिए इनको साथ लेके चलना हो ऑप्शनल को भी। अब वो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है कि आप वो किस तरीके से करते हो। अगर आपको 6 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं तो 1-2 घंटा जीएस के लिए, किस तरीके से वो ऑप्शनल के लिए निकालना है वो आपके लिए, बट आई विल सजेस्ट कि आपको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। देखो एग्जाम की प्रिपरेशन ना बैठो, मिनिमम 1 साल तो चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगर आप 2020 का प्रिपरेशन को देना चाह रहे हो। तो देखो स्टार्टिंग में क्या करो कि इन द स्टार्टिंग 3 मंथ्स ट्राई टू कवर अप द बेसिक्स, जितने भी हैं जीएस, ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, से अगस्त सितंबर तक ये चीज़ें कवर कर लो। इस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मत देना, हाफ एन आवर इज मोर देन सफिशिएंट रीडिंग के लिए, क्या क्या है, कैसे है, क्या है, बस उतना, डेढ़ दो घंटा वो सब नहीं करना, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होगा इतना। प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस अपने सामने रखना, आंसर राइटिंग पे भी इतना फोकस नहीं करना इस टाइम पे, कभी लिखना है तो वीकेंड पे लिख लिया, उससे ज़्यादा नहीं। जब आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए अगस्त या सितंबर में, जब भी होती है, उसके बाद से न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा फोकस करना शुरू करना, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो भी आप पढ़ते हो वो फोकस करना शुरू करना, और अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको स्टार्ट करना। तो इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा, और आपकी जो सेकंड रीडिंग होनी चाहिए वो मार्च तक ख़त्म हो जानी चाहिए।
सेकंड रीडिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पढ़ाई हो गई है। उसके बाद मई जून में प्रीलिम्स से जो पहले का टाइम पीरियड है उसको आपको सोलली प्रीलिम्स के लिए देना होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ें आपको लगानी रहती, तो उस टाइम पे वहाँ पे फोकस करिए। तो इन 8-10 महीनों में इंटीग्रेटेड आपको पढ़ाई करनी है प्रॉपर वे में, मेंस के प्रीलिम्स की, और प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक करनी है। इस तरह सर आपने बताया कि डायनेमिक होकर क्वेश्चन को लिखना चाहिए और वैल्यू एडिशन करना चाहिए आंसर में, तो क्या ये जीएस के जैसे आंसर को इसमें लिखेंगे वैसे ऑप्शनल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल के आंसर कई सारे कभी थॉट और थिंकर से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे ऐसे उसमें आंसर होते हैं, जैसे हिंदी माध्यम में बताया गया कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बताने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे करके अभी तक किया गया है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखो जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है ना उससे तो नहीं भटकना है, आप ये सोचोगे कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे वो नहीं होने वाला है, जो पूछा गया उसको पिन पॉइंट वैसे ही लिखना है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ज्योग्राफिकल थॉट में एरिया डिफरेंशिएशन इज वन थिंग ज्योग्राफी में, तो इट्स अ स्टैटिक थिंग, वो पूछा गया था, बट मैंने उसमें इंडिया के बारे में भी लिखा था और वो पेपर वन का क्वेश्चन था, उसमें इंडियन ज्योग्राफी नहीं आती है, तो एरिया डिफरेंशिएशन का पूरा हिस्ट्री वो तो लिखी थी, उसमें इंडिया की जो अप्रोचेस थी ना डेवलपमेंट की, एरिया बेस्ड अप्रोच, रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच, ये सब आई थी ना, जो डेजर्ट डेवलपमेंट और ये सब आई थी, ये भी लिखी थी मैंने, और इको प्लानिंग रीजन जो बने थे, तो कैसे एक एरिया को लेके प्लानिंग की गई थी वो भी मैंने मेंशन की थी, और अब कैसे एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि हम सिर्फ एरिया को नहीं देखते हैं, उसको यूनिट्स को पूरा इंटीग्रेटेड वे में देखते हैं, उसको कैसे किया गया, तो ये चीज होती है कि आप डायनेमिक अपने आंसर को कैसे बनाते हो, आपको लिखना वही है जो पूछा गया है, लेकिन आपको उसमें कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो जिससे वो आंसर आपका डिफरेंट लगे। इस तरीके से सर एक क्वेश्चन और, ये पीटी मेंस और इंटरव्यू जो तीनों है सर, इसकी तैयारी अलग अलग से करें या मतलब इसमें एक सामंजस्य बना के एक साथ तैयारी हो सकती है? अलग अलग कुछ नहीं है, अभी मैंने ये चीज बताई थी, आधी प्रॉब्लम यही आती है कि आप प्रीलिम्स जब आप आते हो स्टार्टिंग में आप प्रीलिम्स पे इतना ज्यादा फोकस करते हो कि प्रीलिम्स के बाद आपको आइडिया ही नहीं होता कि किस तरीके से करना है, ये सेम मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मेंस नहीं निकलेगा, तो इस हमेशा इंटीग्रेटेड स्टडी करना, उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक को प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है, टॉपिक एक ही रहेगा, अगर कश्मीर से रिलेटेड कोई इशू है तो उसका प्रीलिम्स में भी वो आ सकता है क्वेश्चन, उसमें उसका मेंस में भी आ सकता है, उसका ओपिनियन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो ही चीज़ इंटीग्रेटेड वे में पढ़नी है, आप किस तरीके से वो कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी यूज करूँ या न्यू? ये ज्योग्राफी में न्यू एनसीईआरटी भी आ गई क्या? ओल्ड भी है और न्यू भी है। अच्छा न्यू मैंने तो पता नहीं, मुझे न्यू एनसीईआरटी का हिस्ट्री की पता है न्यू एनसीईआरटी, लेकिन ज्योग्राफी की जो मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, उनको पढ़ लो, लेकिन आई कैन से कि हिस्ट्री की मैंने देखी है ओल्ड और न्यू दोनों इक्वली गुड है, आपको जो भी पढ़ना है आप कोई भी पढ़ सकते हो, अगर ज्योग्राफी में नहीं आ गई है तो कंटेंट अपग्रेडेशन ही हुआ होगा उसमें, अच्छा ही हुआ होगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड न्यू का कुछ फंडा है कि उस पर कुछ कम है या उसमें कुछ ज्यादा। सेकंड सर, एटलस को कैसे यूज करें? यार एटलस का पता है क्या है, एटलस का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास एक दो लोग हैं ना ग्रुप है तो बहुत हेल्प हो जाती है, उस ग्रुप में क्या होता है कि आप सब लोग बैठ के एक साथ और जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है ना उनको एक एक करके मार्क कर लो, जैसे ये हो गए हिल्स हो गए या कैपिटल्स हो गए रिवर्स हो गए, तो एक 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 उस पर आपने पहले हिल्स मार्क कर लिए, पीक्स मार्क कर ली, एक में रिवर्स मार्क कर लिए, एक में मिनरल्स मार्क कर लिए, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है, और उसके बाद अपनी एटलस अपने सामने रखो, न्यूज़पेपर में कहीं भी कुछ भी है तो एक बार देख लो ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसके आसपास क्या चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, न्यूज़पेपर और एटलस का कॉम्बिनेशन वो हमेशा हेल्प करेगा, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून,
सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हट से मतलब हट के है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आईएएस का जो क्लास है लेवल है वो जैसे इलेक्ट मतलब बोलते हैं कि आईएएस इली क्लास में, तो सर जैसे जो बॉलीवुड का लेवल है, बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है, सपोज मैं आईएएस हूँ और मैं किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को बोलता हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो सर उसके लेवल में उतनी सर आईएएस जो है देखो ये इंटरेस्टिंग बनता है, इसको पढ़ाई के डाउट सब क्लियर है, शादी की पहले प्रॉब्लम है। यार देखो बॉलीवुड एक डोमेन है, आईएएस एक डोमेन है, बट आई कैन से कि लोगों का परसेप्शन है कि आईएएस बहुत एलीट क्लास है या वो मतलब लोगों की ऊपर वाले लोगों से मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन टेल यू, आप जब जाते हो ना स्टार्टिंग इसमें आप एकेडमी में जब रहते हो आपको बहुत पैम्पर किया जाता है, आप ऐसे हो सब आपके आगे पीछे रहते हैं, जैसे ही आप ग्राउंड पे जाते हो आपको रियलिटी पता चल जाती है। किसी सब डिवीजन में आप पढ़े होते हो, वहाँ पे आप पूरा काम वाम कर रहे होते हो और 8-10 साल तो आप वहीं पे रहते हो उन्हीं जगहों पे छोटी सी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एलीट है, बट ये है कि परसेप्शन जो है सोसाइटी में वो एक बहुत रिस्पेक्टेड एक जॉब समझी जाती है आईएएस। तो मे भी अगर किसी बॉलीवुड वाले को पसंद होगा तो वो सेलेक्ट कर सकती है यार, अब वो भी अपना फ्यूचर देखेगी कि ठीक है आईएएस है, आजकल वैसी रेड वेड बहुत बढ़ रही है, तो उसे अगर लगेगा कि हाँ है तो वो कर सकती है, तुम्हें पसंद है क्या कोई? यार सेलेक्ट हो जाओ तो बता देना, भेज देंगे वो। इनका क्वेश्चन है कि जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी, वो पेपर जब आप देते हो तो उसमें वो चेक होने के बाद बाकी पेपर्स चेक होते हैं। हाँ उस कंपलसरी पेपर में जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी आपके मेंस के बाकी पेपर्स चेक होंगे, अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आपके मेंस के पेपर चेक नहीं होंगे। और इनफैक्ट हर साल बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ 14,000-15,000 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपलसरी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हिंदी या इंग्लिश का, तो उनकी मेंस की कॉपी जो जीएस की है वो चेक ही नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा वीक हो उस एरिया में तो उस पर मेहनत कर लेना। यार देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने के ना अलग अलग तरीके हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने डेटा का थोड़ा सा एक बना लिया था तो मैं कुछ भी क्वेश्चन होता था तो डेटा से ओपन कर देता था कि एनजीओ से रिलेटेड है तो दिस मेनी एनजीओ आर देयर, इतना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं या ये है वो है, इस टाइप से जो भी रिलेटेड होता था। तो एक ये होता है, कुछ लोग होते हैं वो डेफिनेशन टाइप में ओपन कर लेते हैं कि कुछ पूछा गया है तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक डेफिनेशन है उससे ओपन करके वो कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं कि कुछ पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है, जैसे अगर पॉक्सो के बारे में पूछा गया है या कुछ भी है तो उसको ओपन के रिसेंट इंक्रीज इन चाइल्ड रेप केसेस या कोई इंसिडेंट ऑफ दिल्ली या कुछ has led to the amendment in POXO Act या इस तरीके से कि क्यों पूछा गया वो उसको ओपन करने का यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर कि आपको किस वे में आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो उसी तरीके से आप, और आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, आप कुछ भी POXO का पूछा है, ऑडिट पूछा है, एनजीओ पूछा है, वॉट इज एनजीओ, या दो लाइन लिख के अपना आंसर उसमें कर दो, बट उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जो चीज़ पूछी गई है उसको डायरेक्टली एड करना। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप बोले कि टाइम के साथ इंसान के गोल्स चेंज होते हैं, जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया तो अब आपके गोल्स क्या हैं? यार देखो
अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आई सेड ना कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो मेरा सबसे पहले तो गोल है मुझे पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है आई विल डिसाइड। पहले सोचा था लॉ करूँगा, बट किसी ने बताया अब आप लॉ पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आपको रेगुलर उसमें ही करना है, बट आई स्टडी जो भी करूँगा। दूसरी चीज़ यार शॉर्ट टर्म गोल है यार शादी, अब वो आ जाता है सब लोगों को घर पे, इधर घर वालों का तो सबसे बड़ा ये रहता है कि हो गया बस अब पढ़ लिया आईएएस बन गया अब और क्या, अब शादी कर लो। तो ऐसे ऐसे गोल आपके होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। फिर आप ट्रेनिंग में जाते हो, अभी लोगों का वहाँ पे टारगेट रहता है कि आपको गोल्ड मेडल लेना है या वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो इस तरीके से ये गोल चेंज होते रहते हैं। और अल्टीमेटली आई कैन टेल यू, देखो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का है, बट आप दूसरों को खुश रखोगे ये अपना गोल बना लो तो लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। हेलो सर, एथिक्स और केस स्टडीज के लिए, यार एथिक्स के लिए देखो क्या है कि एक तो जो टर्मिनोलॉजीज है ना पूरे सिलेबस में एथिक्स की, वो उसका अपने वर्ड्स में उनको पूरा लिख लेना कि व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दोस थिंग्स, ऑनेस्टली बहुत सारी है 30-35 तो उनको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ एथिक्स में एग्जाम्पल्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सारी चीज़ें हैं उनको जितने एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट कर पा रहे हो ना उतना लिख लेना, क्योंकि एथिक्स आपको समझाने में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आप अगर उसको एग्जाम्पल के थ्रू सब्सटैंशिएट करते हो तो इट इज़ ईजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो इसलिए एग्जाम्पल्स पे फोकस करना, अपने वर्ड्स में डेफिनेशन सारी टर्मिनोलॉजीज की लिख लेना, और जो एथिक्स की थियोरीज हैं जो भी है डियोंटोलॉजी और ये और वो सारी थियोरीज, उनको प्रिपेयर करना, वो आपको अपने आंसर को डिफेंड करने में हेल्प करेंगे। जब आप कुछ लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो तो उसको आप लिख सकते हो कि महात्मा गांधी सेड या ये सेड एंड में कंक्लूजन। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो है ना वो एथिक्स में आप ध्यान रखना। और केस स्टडीज का यही है कि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दोगे ना वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी अगर इशू है तो एक तो आप ये सोचो कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन है मल्टीपल, उनसे क्या क्या किया जा सकता है या उनकी क्या क्या हेल्प ली जा सकती है। तो कोई भी इशू को बड़े डायमेंशन में सोचना, उसके शॉर्ट टर्म में इमीडिएट क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है एक तो आपको इमीडिएट उसका एक्शन लेना पड़ता है, तो सोचते हैं कि वो सोल्यूशन वो प्रॉब्लम दोबारा आकर ना हो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन दोगे। तो इस तरीके से ये सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखोगे तो केस स्टडीज में आपको। हेलो सर, मेरा सर सोर्सेज एथिक्स के लिए, सोर्सेज यार मैंने लेक्सिकन पढ़ी थी एथिक्स के लिए, बाकी तो आप करंट से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मैंने एक सर के नोट्स भी पढ़े थे, तो अभी आई एम स्टैंडिंग यहाँ पे तो आई विल नॉट नेम। हेलो सर, नोट्स मेकिंग, या नोट्स मेकिंग का क्या है ना कि नोट्स मेकिंग आपको स्टार्टिंग में बड़े बड़े नोट्स बनेंगे, उसके बाद वो छोटे छोटे होते जाएंगे कुछ बहुत। तो आप जब नोट्स बना रहे हो ना तो ट्राई क्या करो कंसाइज करने का, लेकिन स्टार्टिंग में वो होगा नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो जितना भी हो सकता है उसको बुलेट पॉइंट पर लिखा करो। कोई भी इशू है सपोज उसकी हिस्ट्री हो गई, उसके चार बुलेट पॉइंट लिख दिए, उसके रिलेटेड फैक्ट लिख दिया, उसमें बुलेट पॉइंट्स इतने से उसमें आ जाते, उसके इश्यूज क्या है वो लिख दिए, ठीक है चैलेंजेस या इश्यूज, उसका सोल्यूशन क्या है वो लिख दिया। तो ये तीन पॉइंट में आपका एक इशू कवर हो जाना चाहिए, और वो भी सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में। तो जब आप इस लेवल पे आ जाओगे अपने नोट्स मेकिंग में तब आपके नोट्स प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन वो डेवलप होगा धीरे धीरे। आप आज से ही बनाना शुरू करो और आज बनाओ, परसों को देखो कि उसको कैसे कंसाइज किया कर सकते थे। तो ये धीरे धीरे 2-3 महीने में आप सीख जाओगे जैसे आपको करना। हेलो सर, हेलो सर, सर सर मेरा क्वेश्चन ये सर मीडियम से रिलेवेंट था कि सर मैंने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी है, इंजीनियरिंग करी उसके बाद, अब इंग्लिश मीडियम में कर सकता हूँ कि हिंदी मीडियम में करना चाहिए थोड़ा। इंजीनियरिंग किससे की है?
इंजीनियरिंग तो इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम से किए यार, तो आराम से कर सकते हो। देखो एक तो क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लगता है एक स्पोकन इंग्लिश होती है, दैट इज डिफरेंट, जो आप लिखते हो इंग्लिश उससे लिखने में यू आर मोर कम्फर्टेबल देन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बोलने में थोड़ी सी इंग्लिश में वो है तो आप लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप आराम से उसको कवर अप कर सकते हो, बट ये भी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छे से कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप उसी से दो। लेकिन आपको लगता है कि इंग्लिश इज कम्फर्टेबल, इंग्लिश का एडवांटेज एक ही है बस, और वो है कि आपको कंटेंट थोड़ा सा मिल जाता है अवेलेबल, एथिक्स एथिक्स ये वो, बाकी कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होता। सर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको आईएएस क्यों बनना चाहते हैं तो इसका जवाब क्या? यार फ्रैंकली बताऊं, देखो वैसे मैं बोल चुका हूँ नहीं यार मेरी कोई स्टोरी नहीं है इंतकाम इंतकाम यार देखो सिंपल सा था कि मैं कॉलेज में था, इनफैक्ट स्कूल में, और मार्क्स तो मेरे आए नहीं है कभी भी, और घर वालों को हमेशा ये है कि पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, ये है वो है, तो मैं हॉस्टल में रहा हूँ हमेशा से। तो अब स्टोरी शेयर करता हूँ, सिक्स क्लास से आई मीन हॉस्टल, तो जब भी घर जाओ एक ही वो मार्क्स नहीं पढ़ता नहीं है ये नहीं है वो नहीं, लेकिन घर वालों को सबसे अच्छा क्या कह सकते हो कि मुझे ना सिविल सर्विस की तैयारी, पता नहीं क्या है बट आईएएस की तैयारी कर ली है। फिर पापा क्या बोलते, अच्छा ठीक है चलो उसकी तैयारी कर रहा होगा, मार्क्स नहीं आए या क्या है जो भी है, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये मेरा एस्केप रूट था बचपन से। अब ग्रेजुएशन के बाद जॉब वॉब थी नहीं और घर आ गया था मैं, अब घर पे वही फिर से कि क्या करोगे ये, अब तो सीरियस हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। तो वहाँ पे भी मैंने बोल दिया कि आईएएस की तैयारी करूँगा और मैं जा रहा हूँ प्रिपेयर करने। अब बोल तो दिया वहाँ पे जोश जोश में, अब ये पता नहीं था कि 19 तक लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर करने आ गया था। तो देखो स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी, बट ये था कि आई वॉज इन कॉलेज तो मुझे रीडिंग का बहुत एक हॉबी थी, बहुत सारी बुक्स वुक्स पढ़ने का शौक था ये था। तो आई थॉट कि चलो यार आईएएस वाले खूब पढ़ते हैं तो मुझे भी थोड़ी सी हॉबी है रीडिंग की। अब मैं कुछ कुछ फिक्शन पढ़ता था, कुछ भी चेतन भगत और ये और उसमें, तो मुझे लगा कि आईएएस वाले भी पढ़ते हैं मैं भी कर लूँगा, तो इसलिए एक रीडिंग हॉबी थी। दूसरा यार मैं थोड़ा टीचिंग वीचिंग में भी था, वो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ा वहाँ पे, मेरे कॉलेज वॉलेज में थे तो वहाँ कुछ जगह मैंने पढ़ाया वढ़ाया। तो वो एक चीज़ जो मैंने आपको बोला ना कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स इट मेक्स यू फील हैप्पी, और दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग, वो आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन देता है। तो आई रियलाइज कि ठीक है आईएएस में ही ये सेटिस्फेक्शन मुझे मिल सकता है, वरना कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आई केम इनटू दिस। और आपके इंटेंशंस जब अच्छे होते हैं तो आप जो करते हो ना वो ऊपर वाला या जो भी है वो आपको हेल्प करता है उसमें। तो इंटेंशंस आप अच्छे रखो हमेशा लाइफ में आगे। ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, मैं क्या डिसाइड करूं। हेलो सर, सर यार वो पूछ रही है कि आप कैसी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। हेलो सर, सर नहीं नहीं मैं इनको बोल देता हूँ। नहीं नहीं देखो एक्चुअली क्या है कि अभी अभी तो आई मीट दिस, तो आप सोचते हो शादी के बारे में, द ओनली थिंग इज आई फील कि आप जिसकी रिस्पेक्ट कर पाओ, इतना टाइम रहना है, तो अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो अब वो रिस्पेक्ट कैसे आएगा वो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में आई कैन रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग, मेन क्राइटेरिया विच इज़ फॉर मी। तो आप देखते हैं क्या होता है। हेलो सर, सर सिविल सर्विस में, हाँ अभी कर सर सिविल सर्विस में फिजिकल एक्टिविटी का कितना रोल है सर, अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल अच्छा
अच्छा हो तो कैसा होना चाहिए, मतलब रखना चाहिए सही थी या ऐसे ही नॉर्मल ही? देखो मैंने जैसे बोला ना कि अपनी लाइफ को आईएएस से मत बांधो, फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वेलबींग आपके लिए अच्छा है, आप उसको हमेशा रखो, ये मत सोचो कि वो इंटरव्यू के लिए जरूरी है या नहीं। और हाँ, अगर यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, वो जरूरी नहीं है कि आप, मतलब आपको बहुत अच्छा बोलना आता है या ये सारी चीज़ें आती है, आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप जब हेल्दी होते हो ऑब्वियसली वो पॉजिटिविटी आती है, तो वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो मैंने भी ये हमेशा रखा, आई वॉज अ 80 kgs मैं जब अकेडमी गया था, आप सोच सकते हो अभी रिड्यूस कर लिया, आई एम 66 नाउ, 14 kgs आई एम रिड्यूस। तो प्रिपरेशन के टाइम में हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन अकेडमी आपको खुद ब खुद कम करवा देगी, लेकिन अगर आप हो अगर पहले से करते हो तो वेल एंड गुड, वो आपके लिए अच्छा ही है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि लास्ट 3 questions, ठीक है? ठीक है, जैसे हमें पता है एनसीईआरटी पढ़नी है किसी भी, उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, जो नोट्स मिल रहे हैं कोचिंग से वो पढ़ लिया, सर के जो क्लास नोट्स हैं वो पढ़ लिए, उसके बाद कहीं से हमने सुना या सर से किसी सर से पूछ लिया कि ये बुक अच्छी है इसे भी पढ़ लो, ज्योग्राफी में अगर ये सब पढ़ने के बाद वो बुक्स हमने दो पकड़ ली उसको हमने पढ़ लिया, तो उसको ही हम बार बार रिविजन करते रहें या फिर और बुक हमें कहीं से पता चले उसे भी ले लें? क्योंकि कितने सर का ये भी कहना है कि ज़्यादा मैटर तुम ले लो, इतनी सारी बुक ले लो, उसको तुम एक ही बार पढ़ते हो, इससे अच्छा कुछ ही रखो लेकिन उसे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये सही है। देखो ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है, हर चीज के लिए है। आप एक ही बुक को 50 बार पढ़ो और वो पढ़नी पड़ेगी आपको। लक्ष्मीकांत मैंने 100 बार पढ़ ली होगी लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता, भूल जाता हूँ उसमें, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, अपने सोर्सेस को कंसाइज करो जितना हो सकता है, और अल्टीमेटली ना जब आप मेंस लिखोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपके अपने नोट्स होंगे, उस टाइम पर बुक्स आपको इतना हेल्प नहीं करने वाली है, तो बुक्स का इतना ज़्यादा, ये स्टार्टिंग में लगता है कि ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, तो बुक्स को कंसाइज करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो जितने कम हो सकते हैं और उनका रिविजन करो बार बार, वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक और सारे क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे एग्जाम निकलते रहते तो हमें उन सारे एग्जाम्स को देने चाहिए या फिर UPSC का दे रहे हैं, PCS और BPS ये तो सब देते ही रहते हैं, तो हमें और भी एग्जाम देने चाहिए छोटे मोटे जो भी है देते रहने चाहिए या फिर इसी पे फोकस रखें इसी लाइन पे? वो डिपेंड करता है ना, देखो अब आप UPSC का प्रिपेयर करो, क्लर्क का एग्जाम देने चले जाओगे तो मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब वो एग्जाम भी आपको देना है प्रैक्टिस के लिए तो आप दे सकते हो, बट जो PCS है या फिर जो दूसरे एग्जाम्स हैं वो भी आप दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ना आई सजेस्ट कि जब आप नए नए आते हो इतना फोकस नहीं करना, फोकस ऑन सिविल सर्विसेज, और उसके बाद 2-3 साल बाद डाउन द लाइन अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है कि दूसरा एग्जाम भी देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में फोकस ऑन सिविल, 1-2 साल बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है या दूसरा देखना है तो वहाँ पे फोकस करो। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। शी इज आस्किंग के व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन माय आंसर्स व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन IRS एंड दिस टाइम और व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। तो आंसर्स का क्या है ना कि आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो वो खुद ब खुद इवॉल्व होता है। अब आपसे कुछ पूछा गया है, पहले मैं क्या करता था, पूरा पैराग्राफ्स में उसका शुरू से लेके एंड तक उसको एक्सप्लेन कर देता था, उसके उसमें क्या आई रियलाइज कि उसमें आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो फिर आई चेंज माई प्रेजेंटेशन, मेरे पास कंटेंट तो था, अब आपको प्रेजेंटेशन चेंज करना है, अब आप वो किस तरीके से कर सकते हो, आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, हेडिंग्स यूज कर सकते हो, सब हेडिंग्स यूज कर सकते हो, यू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, यू मेक इट मोर रीडेबल टू द एग्जामिनर, दैट विल हेल्प यू प्रेजेंटेशन। एंड ऑब्वियसली आप जैसे आज आपने जो पढ़ा है नेक्स्ट ईयर आपका कंटेंट बढ़ ही गई,
कम नहीं होने वाला है, कंटेंट आपके पास डे बाई डे बढ़ता रहता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, ओवरलोड होगा कंटेंट का। अब आपको 7 मिनट्स या 9 मिनट्स में आपको आंसर लिखना है, तो उसमें आपको किस तरीके से सारी चीज़ें मेंशन करनी है वो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करते हो आंसर कीवर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आंसर को किस डायरेक्शन में लिखना है वो कीवर्ड्स के थ्रू ही पता चलता है, डिस्कस एलैबोरेट ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपका आइडिया होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हेडिंग्स जब आप बनाते हो या सबहेडिंग्स बनाते हो ना, उन कीवर्ड्स को जब हाईलाइट करते हो, तो सपोज आई एम द एग्जामिनर, जब मैं वो कीवर्ड रीड करता हूँ तो आई फिगर आउट कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो कभी कभी एग्जामिनर आगे की चीज़ें पढ़ता भी नहीं है, उसी चीज़ से वो पता चल जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हेलो, आपने पूछ लिया लास्ट क्वेश्चन, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल में विशेष रूप से एड ऑन करने के लिए कुछ मैगजीन है, जैसे ज्योग्राफी एंड यू एंड डाउन टू अर्थ, तो बहुत सारी मैगजीन है सर, तो उनमें से कोई सिलेक्टेड जो मैगजीन आप प्रेफर कर रहे हो और बेनिफिशियल हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए विशेष रूप से, तो उसके लिए थोड़ा सजेशन। देखो उसके लिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या पसंद आ रहा है, मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने ज्योग्राफी एंड यू थोड़ा सा देखा था लेकिन वो पूरी नहीं पढ़ने की थी, उसमें क्या है कि मैं केस स्टडीज पिक करता था, एग्जाम्पल्स पिक करता था और डायग्राम पिक करता था, तो वो आपका वैल्यू एडिशन होता है जो आप आंसर्स में लिख सकते हो। तो इसी तरीके से और भी मैगजीन्स है, डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एंड यू, कुरुक्षेत्र, योजना, उसमें जिसमें से भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जिसमें से भी आपको लग रहा है कि आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, आप वो ले सकते हो, लेकिन उसे कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, मेन उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप एड ऑन कर सकते हो वो चीज़ें आपको पिक करनी है। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, मुझे यार वो अब नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम हो गया यार, ऐसे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, मैं तो यहाँ खड़ा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली मुझे जाना भी है, दूसरा मुझे एक जगह काम है। चलो लास्ट तुम पूछ लो, प्रैक्टिस वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप एग्जाम में कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो, आप सारी चीजें एग्जाम से पहले कर लो, हम लोग रोज एवरी डे वी यूज्ड टू राइट फॉर 1 आवर एवरी डे, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना है। मैं ले लेता हूँ, मैं भेज दूंगा सबको, सबको भेज दूंगा। यह टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, आराम से आराम यार, ऐसा करो एक ले लो सबको दे देना।